आज आप घर डेकोरेट करोगे? ओहो आज यू भी लगा है घर डेकोरेट करने में? ये सारा डेकोरेशन का सामान है, जा रहे हैं हम लोगों का घर अब डेकोरेट करने जा रहे हैं हम सभी लोग। मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने, सारे डेकोरेट करेंगे। तो घर डेकोरेट करने की बात होती है तो यूवी डेकोरेट और ठीक है। नया लिया था ना ये वाला, देखो कितना सुंदर लग रहा है यूवी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये कौन लेके आया था, मम्मी कि अपने लाए थे? सुंदर लग रहा है, तोरण तो पुराना हो गया लग रहा है ना, ये तो ऐसी रख दिया था लगता है। तो बस जा रहे हैं सभी लोग डेकोरेट करने अब दिवाली। अनमोल को जबरदस्ती बोलूंगी वीडियो शूट करने को। नहीं यार मैं नहीं। अच्छा हाँ नहीं, डेकोरेट करो डेकोरेट करो डेकोरेट करो, कोई बात नहीं। ये रात को लाइटिंग वगैरह लग गई है हमारे घर पे, अब ये क्या कर रहा है? और बस थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का सामान है ये सब डेकोरेट करने जा रहे हैं बीवी की बुआ लोग, चाचू लोग। मैं जा रही हूँ पराठे बनाने इन लोगों के लिए, नमक वाले खाने के। ओह पैसे की बात, कौन पैसे की बात कर भी कौन रहा है? यूवी सॉरी, ये देखिए यूवी को। यार मम्मी तो बुलाती है। ओहो बाहुबली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस मेरी तरफ से। सो फिलहाल मैं रख देती हूँ कैमरा अपना और तब आपसे बातें करती हूँ। पहले तो मैं अपना मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ, मेरे मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया है तो फिलहाल चार्ज में लगा देती हूँ, यहीं पे ही है ना मोबाइल चार्ज में लगाना ही भूल जाती हूँ मैं तो अपना ना। मैं जा रही हूँ अभी पराठे वगैरह बनाने, बाहर डेकोरेशन का काम चल रहा है और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। वैसे कि कल है धनतेरस और काफी लोग कह रहे हैं आज है, वैसे देखा जाए तो कल शाम को 6 बजे से ही धनतेरस का मुहूर्त शुरू हो गया है तो आज का तो पूरा दिन रहेगा। हम लोगों का सारा सामान कल ही खरीद लिया था हम लोगों ने, हम लोगों को ये था कि कल ही है। तो मैं जा रही हूँ फिलहाल सबके लिए फटाफट पराठे बनाने और फिर मैंने तो खा लिया वैसे।
यहाँ पे जो अभी फिलहाल हस्बैंड की जो अलमारी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुई थी, तो वहाँ पे ये भी जो सारा है मैंने अलमारी वगैरह साफ़ वगैरह करके अब सामान वगैरह सारा सेट कर दिया इधर। और मेरा कमरा देखो कितना बिखरा हुआ है, ये भी सेट करना अभी बाकी है फिलहाल। ये देखो यू भी क्या बन गया, बप्पी लहरी, छोटा बप्पी लहरी। बप्पी दा ये क्या कर रहे हो? ये देखो, ये देखो कहाँ से निकल रहे, पूरा दिवाली के कामों में ना पूरा हेल्प करा रहा है सबका, जितना कर सकता है बेचारा। उसके पैर में फंसा हुआ है, मम्मी नाड़ा इसका बांधा। कहने मैं उत्ते चढ़ के मेहंदी लगाना है, दे जल्दी यूवी। ये क्या पहन रखे हो बेटा, निकालो सारी चीजें, छोड़ो ये निकालो निकालो। ये भारी भी नहीं लग रहा क्या आपको? इतना भारी तो हमको लगता है। हाँ मनु चार चार दे दो। ये देखो कितना भारी है, उसको लपेट रखा है सिर में गले में। हाथ हटा लो बेटा इधर से, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे बाप रे बाप, छोड़ो 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 छोड़ो, बुरी तरीके से फंसा रखा है। मैं निकाल दिया, फिर देखो कैसे इसके पीछे भाग रहा है। मैं इधर विच काट रही हां, इथों देखो चार चार पीस नहीं ना कटा, दो इधर दो उधर लगे पए ने ना, वो काट के मैंने इधर दे इधर ला लेंगे, पीछे वाले इधर को छोड़ ला देंगे। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे शाम हो गई है और मैं जो है रेडी हो गई, मैंने पहनी ये साड़ी। और यहाँ पे जो है हमारा मंदिर का साफ सफाई हो रहा है, बस अभी यहाँ पे पूजा होगी धनतेरस की, तो यहाँ पे बस मंदिर की जो थोड़ी बहुत साफ सफाई थी वो हो रही है, एंड देन उसके बाद जो है पूजा करेंगे हम लोग धनतेरस की। और ये देखिए हमारा मंदिर जो है, मंदिर भी सज गया है पूरा, सारी चीज़ों की डेकोरेशन वगैरह हम लोगों ने कर दी है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे पूजा करने जा रहे हैं धनतेरस की, क्योंकि इस दिन भी लक्ष्मी माता जी और धनवंती जी महाराज की पूजा की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे और जो भी हम लोग जो जेवर वगैरह खरीद के लाते हैं, जो बर्तन खरीद के लाते हैं, उन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो है बस उसी पूजा की तैयारी हो रही है, मैं यहाँ पे हेल्प करा रही हूँ थोड़ी सी मम्मी की, क्योंकि मम्मी बार बार उठ नहीं सकते हैं नीचे से, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान वगैरह जो पकड़ाना है वो मैं पकड़ा रही हूँ यहाँ पे। वैसे जो है मैंने सोचा नहीं था कि मैं साड़ी पहनूंगी, बट फिर भी मैंने पहन ली और मन कर गया कि चलो पहन लेती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, और मैंने आज सेकंड टाइम पहनी है ऐसे साड़ी। एक बार तो वैसे ही सिंपल साड़ी पहनी थी, और ये अब की बार मैंने थोड़ी हैवी साड़ी है और इसको जो है आगे फ्रंट पल्लू करके पहना है। तो प्लीज़ मुझे बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और बस यहाँ पे जो है पूजा वगैरह हम लोग करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है फिर मिलती हूँ तब तक बाद में। तब तक देखिए एंजॉय कीजिए।
वही टच है शो। ये भी मुझको भी डाल दो, मुझको डाल दो, मुझको सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरी और मम्मी जी की पूजा हो रही है और बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए यूवी को यहाँ से वहाँ से यहाँ धोए जा रहा है और जो सामान है उठा उठा के फेंके जा रहा है। मंदिर के बाहर बैठ जाता है और यहीं से हाथ जोड़ के पूजा करता है। तो इसको सिखाया गया है कि जय करो, तो हमेशा मंदिर के बाहर से बेचारा बैठ के जय करने लग जाता है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ये सीख रहा है थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा लगता है जब करता है। तो ज़बरदस्ती हम लोग बोलते हैं कि करो, तो और देख के और अच्छा लगता है कि ये चलो कुछ तो सीख रहा है बच्चा। तो यहाँ पे जो है बस हम लोगों की पूजा वगैरह जो है ऑलमोस्ट हो ही गई है। हम लोगों ने पूजा वगैरह कर लिया है यहाँ पे, और पूजा वगैरह करने के बाद जो दिए होते हैं वो दिए जलाएँगे। यहाँ पर 13 दिए जलाए जाते हैं अलग 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 नामों से, तो वो सभी 13 दिए जो हैं अलग अलग जलाए जाते हैं वहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग पूजा वगैरह तो हो गई है, वही जलाएँगे यहाँ पर। और ये देखिए यूवी को कभी मंदिर में कभी कहीं, तो कभी कहीं जूते वगैरह लेके, नए जूते आए हैं ना इसके, तो जो है अपने जूते लेके इधर से उधर घूमे जा रहा है। गंगा माता का भी कहीं रख दो उधर ही कहीं, ये जल के पास जहाँ पे गौ माता के लिए। अब बताओ रंगोली ना कर के जाओ। तो हम सभी लोगों का धनतेरस तो बहुत ही अच्छा गया और बहुत ही हम लोगों ने मस्ती की, एंजॉय किया। आप सभी लोगों का कैसा गया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। घर जो है डेकोरेट हो गया है, देखो यहाँ पे यू भी जय कर रहा है। जय जय यू भी जय जय कर रहे हो यू भी। जय देखो खुद से कर रहा है लड़का। अरे मेरा बुग्गू। ओ
घर में रह के पूजा उजा बस जय करना ही आता है आपको बस जय।